तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर धाकर रूपे। और आज मैं एक साउथ की ऑसम मूवी लेके आया हूँ जिस मूवी का नाम है श्री भारत बाहुबली। और इस मूवी को हमें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, और ये मूवी हमको ऐसा क्या नया दिखाती है, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मूवी को देखते समय, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए रिव्यू शुरू करते हैं। और ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 में, और इस मूवी का जॉनर है रोमांस कॉमेडी। और इस मूवी को IMDb पे 8 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 की, और गूगल यूजर ने इसे 94% के स्कोर दिए। और इस मूवी का डायरेक्शन किया है मंजू माधवन ने। और इस मूवी की कास्टिंग में आपको देखने को मिलेंगे अच्युत कुमार, चिन्ना, मंजू माधवन और सारा हरीश। और ये मूवी एक एवरेज मूवी होने वाली है, और इस मूवी में आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। और अगर इस मूवी के माइनस पॉइंट की बात करें ना, तो भाई इस मूवी की लेंथ ना कम से कम 2.5 घंटे के आसपास की होने वाली है, और बीच में आपको ये मूवी कहीं ना कहीं बोर करेगी। और इस मूवी की स्टोरी ना भाई ट्रैक पे आने पर ज्यादा टाइम लगता है, और ये मूवी भाई आपको एक अलग ही सफर पे ले जाएगी। और इस मूवी का प्रेजेंटेशन करने का तरीका, भाई इस मूवी को जिस तरह प्रेजेंट किया गया है ना भाई, काबिले तारीफ है। और इस मूवी के अगर प्लस पॉइंट की बात की जाए ना, तो इस मूवी के व्यूज, क्योंकि इस मूवी की जो लोकेशन है ना भाई, वो इतनी अच्छी है, जब आप इस मूवी को देखोगे ना तो आपको इस मूवी में बहुत से अच्छे अच्छे सीन देखने को मिलेंगे। और इस मूवी की स्टोरी भाई बहुत हद तक यूनिक है, और इस मूवी में आपको कैमियो के तौर पे ना भाई यश का कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा। अगर इस मूवी की कास्टिंग की एक्टिंग की बात की जाए ना, तो भाई सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इस मूवी में जो मंजू वाद्य का कैरेक्टर है ना भाई, उनकी एक्टिंग मुझे कुछ ज्यादा खास नहीं लगी है। और ये पूरी मूवी ना चिन्ना और मंजू के कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है, और इन दोनों की ना गांव में भाई बिल्कुल इज्जत नहीं होती है। पूरे दिन ना खेतों में पत्ते खेलते रहते हैं, और इनके घर वाले हमेशा सोचते रहते हैं कि ये लोग कब सुधरेंगे। और भाई इस मूवी में ट्विस्ट तब आता है जब अच्युत कुमार का जो कैरेक्टर है ना, चिन्ना और मंजू के कैरेक्टर को भाई पुलिस से पकड़वा देता, क्योंकि भाई इन दोनों ने ना एक लड़की की शादी करवा देते हैं एक लड़के से, और वो जो लड़का होता है ना वो माइनर होता है कम से कम 1 मंथ, और जिनकी वजह से इन दोनों को 7 साल की सजा हो जाती है। और इनको कौन छुड़ाता है उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और इस मूवी की स्टोरी ना भाई बहुत हद तक यूनिक है, और इस मूवी के जो कैरेक्टर ना भाई उनसे कनेक्ट होने में आपको कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर इस मूवी की स्टोरी पे आना, तो और इस मूवी में आपको 2 NRI देखने को मिलेंगे, और एक गाइड को हायर करता है जो उस गांव के बारे में जितनी भी इमारतें हैं ना सारी चीज़ों के बारे में जानती है। लेकिन वहां पे जो लड़की है ना, वो चिन्ना और मंजू के कैरेक्टर के बारे में पूछती है कि वो दोनों कैरेक्टर आपको क्यों चाहिए। भाई वो दोनों चोर है और किसी काम के नहीं है, और वो उसकी स्टोरी के बारे में बताता है, फिर वो कैसे वो लड़की उन दोनों को जेल से छुड़वाती है, फिर उनको अपने बारे में बताती है कि मैं विदेश में रहती हूँ और मुझे ना अपने पिछले जन्म से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें याद आती है, और मैं इसलिए इंडिया आया हूँ कि जो मेरे पिछले जन्म में मेरे माता पिता थे ना, मैं उनको ढूंढ सकूँ। और वो अपने असली माता पिता को ढूंढ पाएगी या नहीं ढूंढ पाएगी, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। लेकिन चिन्ना और मंजू का जो कैरेक्टर ना, वो सोचता है कि कहीं ना कहीं इनको धोखा दे के जल्दी काम निकलवा के अपना पैसा लेके भाग जाने का। और अगर इस मूवी के कुछ बेस्ट सीन के बारे में बात करें ना, जब चिन्ना और मंजू का कैरेक्टर एक होटल में जाता है ना, तो वहाँ पे ड्रम में एक लड़का अपनी जान दे रहा होता है, और वहाँ पे जो चिन्ना का कैरेक्टर होता है ना, वो बोलता है मुझे तैरना नहीं आता, वो बोलता है जल्दी निकाल वरना ये मर जाएगा। भाई वो वाला सीन मुझे इस मूवी का बेस्ट सीन लगा है। मंजू और चिन्ना एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं ना, और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, तो कुछ लोग उनको मारने के लिए आते हैं, तो वो जो मंजू का कैरेक्टर ना वहाँ पे साइलेंसर निकालता है, तो वो उससे निकलता नहीं है, तो कैसे वो पेज खोल के उसको निकालता है, और वहाँ पे जो फाइट सीन आता है ना आपको उस मूवी में देखने को मिलेगा। और भाई इस मूवी के बारे में आपको ज़्यादा बताऊंगा नहीं, वरना भाई इस मूवी को देखने का आपका मज़ा ख़राब हो जाएगा। और इस मूवी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर मूवी आपने पहले देखी है ना, आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ओके बाय।